नमस्कार प्रणाम आप सभी को मेरे भाई लोग। ये कहे अचल सिद्धार्थ यादव करके, जो कि यदवंशियों को बराबर शूद्र साबित करने में लगा रहता है, किसी समाज द्वारा इसे चढ़ाया जाता है, तो आगे वीडियो में बराबर भोगता रहता है कि यादव शूद्र हैं। इस प्रकार से बताता है कि ब्राह्मणों द्वारा एक वर्ण बनाया गया, क्षत्रिय शूद्र वैश्य इस प्रकार से, और काम के आधारित सभी शूद्र हैं, जो कृषि करते हैं, गाय चराते हैं, जो लोहा का काम करते हैं, ये सब शूद्र हैं। इस प्रकार से अपने वीडियो में बता रहा है और भोंक रहा है, तो इसको थोड़ा समझा दिया जाए देसी तरीके से, एक अनपढ़ गंवार के तरीके से। मेरे भाई, पहली बात, काम के आधारित किसी को हम शूद्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्वाल शब्द है, ये ग्वाल कब शब्द आया, जो कब यूज किया गया, इसके बारे में पता कर ले। सबसे पहले हमारा यदवंशी है, और काम के आधारित ये इधर है, अब द्वापर युग में आज जो ये वर्ण है, क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये बहुत पहले का है। ग्वाल जो है सबसे पहले यदवंशी है। ग्वाल का जो प्रयोग किया गया यादव समाज में, ये कब प्रयोग किया गया ये पता कर ले, ठीक है। जो कि ग्वाल शब्द है, ये यादव में एक कुल है ग्वालों का, जो कि ग्वालों से वो भी यदवंशी है। यदवंशी नाम लिखते हैं यदवंशी हर जगह, ग्वाल कहीं यूज नहीं होता है। ग्वाल बस उनके काम के आधारित पर बोला गया, जो कि गाय ज्यादा शौकीन थे, गाय ज्यादा पोसते थे, दूध निकालते थे, इसलिए उनको ग्वाल कहा गया। यदवंशियों में ऐसे कुछ लोग हैं, यादव हैं, कुल है, जो कि गाय भैंस से उनका दूर दूर का नाता है, गाय से मतलब ही नहीं है। बहुत से डंहोर है, इस प्रकार से बहुत से सात कुल है जो कि गाय भैंस से दूर दूर का नाता है। तब तो वो क्या है, वो किस एंगल से शूद्र हो गए, इतना बता। अगर तू बोल रहा है कि काम के आधारित कृषि करने वाले शूद्र हैं, तो कुशवाहा समाज के लोग कृषि करते हैं, लेकिन वो अपने आप को श्री राम के वंशज बताते हैं और बोलते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, तब तो भी शूद्र हो गए तेरे एंगल से। काम पे कोई डिपेंड नहीं करता है, काम हर कोई करता है। अगर कोई गाड़ी इंजन का खोलने का काम करता है, कोई ड्राइवर है, कोई ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर चलाता हो तो उसे ड्राइवर कहते हैं, मशीन वशीन बनाता हो उसे मिस्त्री कहते हैं। इसी प्रकार से यादों में गाय चराने का काम करने लगे तो उसे ग्वाल कहने लगा, लोग उन्हें ग्वाल कहने लगे। यही है, यही हकीकत है। एक अनपढ़ गंवार की तरह सोच समझ, अगर तुम्हें नेता बनना है तो बन यार उस समाज का, लेकिन यादव समाज को क्यों बदनाम कर रहा है। मेरे भाई लोग, इस वीडियो के दबा के शेयर मारिए, ताकि इस कुकुर को थोड़ा समझ में आए, एक देसी तरीके से, अनपढ़ गवार के तरीके से, कि काम पे आधारित अगर किसी को नाम दिया जाता है तो उससे जाति धर्म से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। बस यही हकीकत है, दबा के इस वीडियो को शेयर मारिएगा। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को।